गाइस ये क्या हो गया आज, वीडियो को पूरा देखना। हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी सही सलामत होगे। तो आज एमी करेगी ब्लॉगिंग आपके लिए। एमी जस्ट अभी सो के उठी है। एमी से हेलो। ओरे बाबा बाबा, ये तो तोड़ेगी इसको। गाइस अभी मुझे बाहर जाना है कुछ काम से, तो अभी आप देखना जरा एमी का रिएक्शन। मैं अपना बैग उठा रहा हूँ। तो अभी मैं चल दिया हूँ। अभी तो एमी को कोई वो नहीं है। कोई एमी दरवाजे में पहुंच जाती है गाइस सबसे पहले। अब देखो एमी को जाना है साथ में। अरे एमी बैग तो भूल ही गई थी अपना। ये देखो एमी का बैग। ये देखा स्टाइल एमी सबसे पहले। बाय बाय एमी, I'm going now। मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। गाइज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस भी अपना ओपन फॉर ट्रैवल, तो अभी तक तो गाइज ओपन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कोरोना यहाँ पर काफी परेशान कर रहा है। घर से बाहर निकलना लोगों का बंद कर रखा है, तो ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही ओपन होता है तो ज़रूर हम अपडेट दे देंगे आपको कि अब ओपन है तो आ जाइए। तो अभी फ़िलहाल आप जहाँ पर है वहीं पर रहे, आराम से अपने फैमिली का और अपना ध्यान रखे। तो कोविड का तो ऐसा हाल है। अभी मैं दिखाता हूँ आपसे, मेरे लास्ट टाइम कुछ वीडियोज़ थे जिसमें मैंने आपको दिखाया होगा कि हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे दुकान थी कपड़े वगैरह की, जूते की, लेकिन इनका क्लोज हो गया है अब काम धाम। इनने कपड़े देखो उतार दिए हैं, तो खाली कर रहे हैं ये लोग भी जो यहाँ पर किराए में थे। तो अभी इनका भी बिजनेस बंद हो गया है बिकॉज कोरोना की वजह से कोई इनके पास ख़रीदने नहीं आ रहा है। तो हमारा मेरा अपने योगा सेंटर, मैंने भी अपना योगा सेंटर है इसी कारण बंद किया था, क्योंकि योगा तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा, लेकिन रेंट लग रहा था मेरे को भी फ्री का, तो बिना काम किए हुए रेंट देना पड़ रहा था, तो इसीलिए इनने भी बंद करने का प्लान कर लिया है। तो ये भी बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लगा रखा है कि घर किराए के लिए खाली है, तो अभी किराएदार तो पता नहीं कब मिलता है। मैंने तो जगह जगह में देखे ऐसे बोर्ड लगे हुए कि घर किराए के लिए खाली है बिकॉज कोरोना। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे मोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप घर के सामने यहाँ पर देख रहे होंगे लाल लाल सा बोर्ड, ये भी इसीलिए लगा है किराए के लिए घर खाली है। सो गाइज अभी मैं आया हूँ पार्क में अपने घर के पास वाले में, घर के बैक साइड में। तो ये देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा सा घर था यहाँ पे, पूरा तोड़ दिया इन लोगों ने इसको, अब नया बनाएंगे तोड़ ताड़ के। पहले तो थोड़ा थोड़ा सा तोड़ रहे थे, काफ़ी आवाज़ें कर रहे थे दो तीन दिन तक। अब पता नहीं क्या आ गई आज सवेरे ये मशीन इनने मंगाया और सारा तोड़ दिया। ये देख लो एकदम से अड्डे लगा लिया। अगर आदमी करते इतना काम तो पता नहीं कितने दिन लग जाते। शाम तक ये पूरा ख़त्म कर लेंगे इसको, जिस तरह से जोरों शोरों से काम चल रहा है। देखो कैसे खतरनाक तरीके से तोड़ते हैं भाई, देख रहे हो, शरिया अलग कर रहे हैं। गजब का टेक्निक है। तो ये मजदूर लोग हैं, इनके बाइक, यहाँ पर बाइक हर एक बंदे के पास होती है, उसके बिना गुजारा नहीं चलता है। बाइक ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा। और ये बंदे ये कह रहे, कहते वीडियो बना, खूब बना मजे से। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पानी के पाइपें ले रखी है इनने, पूरी पिचकारियाँ मार रहे हैं ताकि जो धूल है ज़्यादा ना उड़े, लोगों को परेशान ना करे। और घर का इनने 80% भाग तोड़ दिया है, 20% बचा है सिर्फ। शोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, शायद आपको आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, तो देख लिया
तो मशीन ये काफी जबरदस्त है, देख रहे हो कैसे ये शरीये को सीमेंट से अलग कर रहा है। और यहाँ पर शरीये ये गाड़ी में लोड कर रहे हैं। इधर ये घर तोड़ रहे, तो सामने वाले घर ने देखो अपने घर पे तरपाल लगा लिए है, पूरी तरह से पूरा कवर कर लिया है घर को, ताकि कहीं से भी धूल मिट्टी अंदर ना घुसे। सही जुगाड़ बैठा रखा है भाई। वैसे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर तरपाल लगाई जाती है बाहर से, लेकिन अभी तो ये तोड़ ही रहे, अभी क्या लगाएंगे। गाइस जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वहाँ पर इस तरह से तरपाल लगाई जाती है, ब्लैक या ग्रीन ब्लू कलर की, कई प्रकार की होती है, ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना गिरे इससे, किसी के सिर वगैरह में ना लगे, किसी को डैमेज ना पहुंचाए और धूल मिट्टी इधर उधर ना जाए, दूसरे लोगों को परेशान ना करे। तो ये ज़रूरी लगाया जाता है, स्पेशली अगर सिटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो। हमारे इंडिया में भी सेम होता है, सिर्फ गाँव वगैरह में ऐसा नहीं होता है। गाइज ये दो बॉक्स देख रहे हो आप, ये मेरे से पता नहीं कितनी बार नीचे ऊपर उतरवा दिए इसने, आज के लिए लास्ट टाइम ऊपर रखना है, इसके बाद कभी नीचे नहीं उतारना है। तो मान लेते हैं बात, इसको रख देते हैं ऊपर, लेट्स सी। ये देखो हंस रही है, मुझे शक है भाई अभी भी, पता नहीं कितनी बार लास्ट होएगा इसका। Anh rất chuyên nghiệp trong việc dọn đồ. You have many experience about put it up and down, up and down. No angry, please. आपके सामने है लास्ट, ये मैं हूँ और अरे परे मेरे स्टूडेंट है, और यहाँ पर हमारी योगा क्लास चल रही है। जल्दी जल्दी से योगा क्लास खत्म करके मुझे भी जाना है डिनर करने के लिए। थोड़ा सा वर्कआउट करके पसीना तो निकल जाता है हल्का फुल्का। सो फाइनली गाइज मेरी योगा क्लास हो गई है ओवर, तो ब्लॉग को भी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, और आज के ब्लॉग के बारे में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कैसा आज का ब्लॉग आपको लगा। और जो भी कोई हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बार बार यही कहता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।